हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके 3 साल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एक IHM कॉलेज या होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में। वैसे तो मैंने अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करा ही हुआ है, जो कि मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो है। उसमें मैंने सारा कुछ बताया था कि मेरी लाइफ में मेरे टाइम पे होटल मैनेजमेंट में क्या हुआ था। बट उसमें मैं ज़्यादा फोटोज़ वगैरह शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास इतनी फोटोज़ थी नहीं उस टाइम की। तो इसीलिए मैंने सोचा एक जनरल प्रोस्पेक्टिव से क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें आपको एक प्रॉपर 3 ईयर्स में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ रहने वाली, क्या क्या चीजें आप करते हो, वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। एंड थैंक्स टू एक्स स्टूडेंट्स ऑफ IHM मेरठ, जिनकी मैं ये फोटोज वगैरह शेयर करने वाला हूं, जिससे कि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल सके कि आपके कॉलेज में किस तरीके से आपके 3 साल गुजरने वाले हैं। और अगर आप IHM मेरठ में ही एडमिशन लेने वाले हो तो आपके लिए तो और भी बढ़िया है, बिकॉज आज जो मैं पिक्चर्स वगैरह शेयर करने वाला हूँ वो IHM मेरठ की ही है। तो यार सबसे पहले जब आप एक कॉलेज में एंटर करते हो या आप एंटर करोगे, तो सबसे पहली चीज जो आपको वहां पे दिखेगी वो है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की फैसिलिटीज, जो कि आप पे एक इम्पैक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है कि जब आप सबसे पहले एंटर करते हो। यानी कि अगर आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक IHM मेरठ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है या IHM मेरठ में ही आप जाने वाले हो, तो डेफिनेटली आप पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यार जब आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करोगे या स्टार्ट करोगे अपनी क्लासेस अपने कॉलेज में, तो डेफिनेटली बहुत अलग फीलिंग होने वाली है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में थोड़ा अलग तरीके से चलता है एज़ कम्पेयर टू जो आपने स्कूल में किया होगा। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कई जगह पे मॉर्निंग टाइम में आपका प्रैक्टिकल चल रहा होता है और आपका इवनिंग में आपकी थ्योरी क्लासेस चलती हैं। यानी कि आपका जो वीकली शेड्यूल होता है उसमें हर दिन आपको अलग अलग प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं। आपका जो फ्रंट ऑफिस का प्रैक्टिकल है, हाउसकीपिंग का प्रैक्टिकल है, सर्विस का प्रैक्टिकल है, आपका बेकरी वगैरह सब चीज़ों का प्रैक्टिकल्स होते हैं हर दिन मॉर्निंग टाइम में, और इवनिंग टाइम में जनरली आपके थ्योरी क्लासेस चलती हैं। तो कुछ यही आपके साथ भी हो रहा होगा और आप अपनी थ्योरी क्लासेस प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे होंगे, और एक बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होगी, स्पेशली अगर आप एक अच्छे कॉलेज में होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, तो इस वजह से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। एंड स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम अपनी शेफ कोट को पहनोगे या फिर अपनी दूसरी ड्रेसेस को पहनोगे, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगा, और आप उसमें फोटोज़ वगैरह जाके क्लिक करवा रहे होंगे अपनी क्लासेस में, और वो सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी। उसके बाद आती है आपकी फ्रेशर्स। तो यार देखो, एक अच्छे कॉलेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपकी फ्रेशर्स पार्टी भी काफ़ी अच्छी होगी। लाइक यहाँ पे आप IHM मेरठ की फोटोज़ वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे जो उनकी फ्रेशर्स पार्टी चलती है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, मतलब डांस भी होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, आपको सबके साथ मिलने जुलने का पूरा मौका मिलता है। फिर धीरे धीरे आपका सेमेस्टर कट रहा होता है तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी करवाई जाती हैं। देखो, एक अच्छे कॉलेज की जो सबसे बड़ी USP होती है वो ये होती है कि वो केवल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस करवा के आपकी मोनोटनी में नहीं रखते हैं, बल्कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर करते रहते हैं। लाइक आपका कभी ना कभी सेमिनार्स हो रहे होंगे, कभी आपका कोई ना कोई आपकी कोई स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, स्पेशल लेक्चर्स वगैरह दिए जाएंगे, जिससे ताकि आपको मोनोटोनस फील ना होने लग जाए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे IHM मेरठ के जो सेमिनार्स वगैरह हुए हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं, शेफ कॉम्पिटिशन वगैरह वगैरह, जिनकी उनकी टीम यहाँ वहाँ जाके जीत के भी आती रहती है। तो उससे आपको क्या होता है, एक अलग फीलिंग रहती है, आपको थोड़ा लग रहा होता है कि यस, हमारा कॉलेज भी हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रहा है और हम भी अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। फिर थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह भी आपके कॉलेज में होते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा मतलब एक अच्छा फील आता है। ये सारी चीज़ें कराने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि स्टडीज़ के साथ आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, और साथ ही साथ आपका साल कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। उसके बाद आपका आएगा सेकेंड ईयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है, बिकॉज सेकेंड ईयर में आपकी होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है आपके पूरे होटल मैनेजमेंट के कोर्स में, बिकॉज आप पहली बार इंडस्ट्री को देख रहे होते हो, आपको पहली बार पता लगता है कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। थ्योरेटिकली जो चीज़ें आपने करी थी या प्रैक्टिकली आपने जो कॉलेज में चीज़ें करी थी वो आप रियल में देख पाते हो, और उसका भी फायदा तभी होगा जब आप एक अच्छे होटल से ट्रेनिंग करोगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। छोटे मोटे होटल में चले जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, और यहीं पे एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपका अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके अच्छे टाई अप्स होते हैं। जैसे कि आप IHM मेरठ के भी, अगर मैं जिनका फोटोज़ दिखा रहा हूँ उन्हीं के आप टाई अप्स देखोगे तो उनके टाई अप्स बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हैं, तो वही आपके भी कॉलेज के अगर टाई अप्स हैं या फिर आप अगर IHM मेरठ से ही करने वाले, उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो खैर, सेकंड ईयर का आधा से ज्यादा पार्ट आपका ट्रेनिंग में निकल जाता है, फिर एक सेमेस्टर भी रहता है जिसमें आप काफी कुछ पढ़ते हो, नई नई चीजें सीख रहे होते हो। उसके बाद जब आपका सेकंड ईयर खत्म होता है, यहाँ पे आपका कॉलेज और आपका बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट आ जाता है, वो है आपकी प्लेसमेंट्स का। थर्ड ईयर में जब आप जाते हो तो यार आपका टोटली फोकस मतलब आपकी जॉब के लिए हो जाता है, तब आपके बहुत सारे, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो तो बहुत सारे आपके इंटरव्यूज हो रहे होंगे,
उस दौरान, और आप फर्स्ट टाइम जब अपना कोट पहनते हो या फिर गर्ल्स अपनी साड़ी को पहनती हैं, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है, बिकॉज आप अपने इंटरव्यू में बैठने वाले होते हो। और यहाँ पे भी आप IHM मेरठ की फोटोज में देख सकते हो किस तरीके से जो थर्ड ईयर के सीनियर्स हैं उन लोगों ने कोट पहने हुए हैं और अपनी साड़ीज पहनी हुई हैं, वेल ड्रेस होके अपने इंटरव्यूज के लिए बैठे हुए हैं और सेमिनार अटेंड कर रहे हैं जो भी होटल उनके यहाँ पे आ रहे हैं। और यही चीज़ आपके साथ भी होगी जब आप थर्ड ईयर में जाओगे। आप सबसे पहले जो भी होटल आता है वो अपना सेमिनार करता है और फिर आप अटेंड करते हो उनके ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यूज़, जो कि आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। नाउ यहीं पे एक अच्छे कॉलेज और बुरे कॉलेज का फ़र्क पता लगता है, बिकॉज एक अगर एक कोई अच्छा खासा कॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ हो ही नहीं पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। बट जो एक अच्छा कॉलेज होगा वहाँ पे आपके ओबरॉयज, ताज, लीला, कैंपेंस्की, सारे के सारे जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। और जब आपकी जॉब लग जाती है तो यार एक अलग ही फीलिंग होती है जब आप होटल के HR के साथ फोटो खिंचवा रहे होते हो। जैसे कि आप ये फोटोज़ में भी देख सकते हो कि IHM मेरठ के स्टूडेंट्स ओबरॉयज, ताज वगैरह के जो भी HRs वगैरह उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं जिन लोगों की जॉब लग चुकी है। बहुत प्राउड मोमेंट होता है जिस समय में आप ये कर रहे होते हो, आपके हाथ में एक ऑफर लेटर आ चुका होता है और आपको पता होता है कि कॉलेज ख़त्म होते ही सीधे आप जाने वाले हो अपनी जॉब पर। तो खैर थर्ड ईयर आपका लगभग ऐसे ही इंटरव्यूज़ देते देते निकल जाएगा अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे। उसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब आप अपनी फेयरवेल ले रहे होते हो। तो यार जब आपका फेयरवेल हो रहा होता है तो उस समय यार काफ़ी मतलब मिक्स फीलिंग्स भी रहती हैं, थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि यार हम इतने अच्छे कॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन एक फ्यूचर की उम्मीदें रहती हैं कि यार अब हमें होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, अब्रॉड जाना है, बहुत कुछ करना है। और वही चीज़ आप यहाँ पे फोटोज़ में देख भी सकते हो, शर्ट डे चल रहा है IHM मेरठ के स्टूडेंट्स का एंड दे आर सो मच हैप्पी। उसका रीज़न यही है कि यार वो कॉलेज में तो उन्होंने इंजॉयमेंट, पढ़ाई वढ़ाई सब करी है, साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में ऑफर लेटर्स हैं अच्छे अच्छे होटल्स के, जिस वजह से उनके चेहरे पर ये खुशी आप देख ही सकते हो। तो डेफिनेटली जब आप एक अच्छे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज से पढ़ते हो तो यही सारी उम्मीद आपके मन में भी रहेंगी, आप यही सारी फीलिंग्स के साथ पास आउट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके हाथ में ऑलरेडी एक जॉब होगी और मे बी मोर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक से ज़्यादा, और साथ ही साथ आप एक अच्छी डिग्री लेके पास आउट हो रहे होंगे, बहुत सारी मेमोरीज लेके पास आउट हो रहे होंगे, अच्छे फ्रेंड्स बना के पास आउट हो रहे होंगे, और जहाँ भी जाएंगे आप एक नाम लेके जाएंगे अपने कॉलेज का। और कुछ इस तरीके से आइडियली आपके 3 ईयर्स इन IHM गुजर जाते हैं, तो वो आपके आइडियली तभी ऐसे गुजरेंगे जब आप एक अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करोगे और अपनी तरफ से मेहनत भी करोगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी कि IHM में आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसे रहने वाली है IHM मेरठ के प्रोस्पेक्टिव से। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपका कॉलेज से रिलेटेड, कुछ भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।